हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं छोले, यानी कि पिंडी छोले। उसके लिए मैंने छोले पहले से ही उबाल कर ले लिए हैं, जिसमें हमने कुछ गरम मसाले ऐड करे थे, जैसे कि दालचीनी, मोटी इलायची और नमक डालकर हमने इनको उबाल लिया है। हमें इसको प्रिपेयर करने के लिए अनियन, जो मैंने चॉप कर ली है, गार्लिक जिंजर, ग्रीन चिली, टमाटो और मैं इसमें कुछ थोड़े से पोटैटोज भी ऐड करूँगी। आइए दोस्तों, तो हम छोले बनाने की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे क्यूमिन सीड्स, यानी कि जीरा, और थोड़ा सा हींग। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी चॉप जिंजर और हमारी चॉप अनियन। इनको सौते करेंगे फिर गोल्डन ब्राउन होने तक। हमारी जो अनियन है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट स्वाद के अनुसार, देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च और चना मसाला। तो हम अपने मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला ऑयल ना छोड़ दे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे छोले। छोले ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसमें मैं भिंडी छोले बना रही हूँ, तो मैंने पानी पहले से ही चाय पत्ती के साथ उबाल कर रख लिया है, मैं उसमें वो ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी को गाढ़ा या पतला रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। छोले की ग्रेवी को ब्रेड करने के लिए मैंने दो पोटैटो स्मैश कर लिए हैं अच्छे से, और मैंने इसमें इसको ऐड कर दूंगी, इससे इसका फ्लेवर और अच्छे से एनहांस हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए दोस्तों कितना अच्छा फ्लेवर आया है, कितना अच्छा कलर आया है। जैसे ये और अच्छे से बॉईल हो जाएगा, हम इसको 10 से 15 मिनट अभी बॉईल होने देंगे, तो हमारे छोलों पे जो हमने चाय पत्ती का गर्म करके पानी इसमें डाला है, तो हमारे छोले काले हो जाएंगे। एक बार छोलों को चेक कर लेते हैं, तो देखिए हमारे छोले कितने अच्छे से उबल गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, यानी कि ग्रीन कोरिएंडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारे छोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं।